नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। आइए चलिए जानते हैं कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई। कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वेट बाजार से हुई, जिसका चीन हमेशा दावा भी करता रहा है। परंतु विश्व के जाने माने शोधकर्ताओं का कहना है कि वेट मार्केट से यदि इसकी उत्पत्ति होती तो यह जानवरों से आदमी में संक्रमित नहीं होता, परंतु चीन इसका हमेशा दावा करता रहा है। आइए जानते हैं इस रोचक रिपोर्ट की पूरी कड़ी। यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि वहीं के चमगादड़ के एक खास प्रजाति से इस वायरस का संचार आदमियों में हुआ है, जिसके वजह से आज पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है। पूरे विश्व में अब तक करीब 55,000 लोग इसे जान गंवा चुके हैं एवं करीब 12,00,000 लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि यह वेट मार्केट है क्या। वेट मार्केट चीन के लगभग प्रत्येक शहर में मौजूद है, जहाँ जंगली जानवरों, समुद्री जीवों एवं दुर्लभ प्रजाति के जीवों का कारोबार होता है। जो लोग मांस खाना चाहते हैं वो लोग इस मार्केट बाजार में जाते हैं। यहाँ जानवर पिंजरों में बंद एवं मृत रूप में होते हैं, जिन्हें जो जिस जानवर को खाना होता है उस जानवर को लेते हैं और उसे ले जाकर पकाकर खाते हैं। यूं तो देखा जाए तो चीन में तमाम प्रकार के जंगली जीव, समुद्री जीव एवं दुर्लभ प्रजाति के जीवों का कारोबार धड़ल्ले से किया जाता है, उन लोग खाते हैं, जो कि विश्व में अन्य जगह प्रतिबंधित है। परंतु विश्व समुदाय को अंगूठा दिखाते हुए चीन का वेट मार्केट सबसे पहली बार विवाद में 2002-2004 में आया, जब यहाँ के गुआंगडोंग वेट मार्केट से हॉर्स नामक वायरस की उत्पत्ति हुई। इस वायरस ने पूरे विश्व के 29 देशों में 800 लोगों की जान ली। यही नहीं, पूरे विश्व में चीन का वेट मार्केट हमेशा बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला जैसे बीमारियों की वजह से विवाद के दायरे में रहता है। चीन में इस प्रकार के बाजार का होने का सबसे बड़ा कारण है कि चीन में विश्व की सबसे ज्यादा गुफाएं मौजूद हैं। इन गुफाओं में विभिन्न प्रजातियों के चमगादड़ तथा अन्य दुर्लभ प्रजाति के रेंगे वाले जीव मौजूद रहते हैं, जिन्हें पकड़कर वह वेट मार्केट में बेचा जाता है तथा इसे लोग वहां खाना पसंद करते हैं। आज पूरा विश्व चीनी समुदाय के वेट मार्केट से परेशान है एवं वेट मार्केट की भर्त्सना करता है। हालांकि जब कोरोना का पहला संक्रमण नवंबर में देखा गया, उसके बाद चीन ने इस वेट मार्केट को बंद करने की घोषणा की। परंतु जहां चीन अब यह बात कह रहा है कि वह कोरोना नामक विपत्ति से उबर चुका है, उसने दोबारा अपने तमाम वेट मार्केटों को खोलने का आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद चीन ने दोबारा एक बार पुनः अपने वेट मार्केट में कारोबार शुरू कर दिया है। हालांकि इस वेट मार्केट के पीछे चीन की यह मंशा है कि पूरा विश्व समुदाय जान जाए कि कोरोना नामक घातक बीमारी पर चीन ने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। वेट मार्केट का विरोध पूरे विश्व में व्यापक तौर पर हो रहा है। तो सबसे ज्यादा विरोध ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी हाल ही में अपने 2G रेडियो पर दिए एक इंटरव्यू में की है। साथ ही साथ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघम WHO को भी इस बात से आगाह किया है कि यह किसी एक देश की समस्या नहीं है एवं इस पर रोक लगाना अत्यावश्यक है। यूं तो देखा जाए तो चाइना हमेशा विवाद के दायरे में रहा है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी तरह तरह के वायरसों पर रिसर्च के लिए ही जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जैविक हथियार के रूप में वायरस का खोज किया जाता है और यह प्रतीत हो रहा है कि आज पूरा विश्व समुदाय चीन के वजह से इस विपत्ति से जूझ रहा है। और आश्चर्य की बात है कि आज पूरा विश्व की तमाम महाशक्तियाँ चीन की इस हरकत पर खामोश बनी हैं। ऐसा लग रहा है कि उनका भी मौन समर्थन चीन के इस जैविक हथियार कार्यक्रम में के साथ है।